You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Designer Nushrat Naj. तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ड्रेपिंग स्कर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग. सो पहले भी मैंने कई सारे ड्रेपिंग स्कर्ट की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है, बट आप लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि विदाउट डमी इस स्कर्ट को और ड्रेपिंग ड्रेस को कैसे ड्रेप की जाए. तो गाइज आपकी डिमांड पे मैं एक वीडियो लेके आ गई हूँ जिसमें मैं बिना डमी के ड्रेपिंग स्कर्ट को बनाने वाली हूँ. तो इस स्कर्ट को बनाने के लिए गाइज मैंने ड्राफ्टिंग की जो मेथड है उसे यूज़ किया है, जो आपके लिए भी काफ़ी इजी रहेगा और आप इसे अच्छे से बना पाएंगे. तो गाइज यहाँ पर मैंने मटेरियल लिया है जॉर्जेट फैब्रिक 3 मीटर, सैंटून फैब्रिक लाइनिंग के लिए 2 मीटर. आप इस स्कर्ट को बनाने के लिए सैटिन फैब्रिक, क्रेप फैब्रिक मीन्स सॉफ्ट फॉल वाले जो फैब्रिक आते हैं उसे यूज़ कर सकते हो. तो सबसे पहले मैं इस स्कर्ट को पेपर में ड्राफ्ट करने वाली हूँ. तो गाइस यहाँ पे स्कर्ट बनाने के लिए आपको मेजरमेंट लेना है स्कर्ट के लेंथ का, और वेस्ट राउंड लेना है, हिप राउंड लेना है, उसके बाद आप इस स्कर्ट को ड्रेप कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक को साथ में ड्रेप करना है. तो इस पेपर को मैंने 4th फोल्ड में रखा है और लेंथ मैंने रख लिया है 39 इंच. ऊपर से वेस्ट से हिप का जो लेंथ है वो है 9 इंच, तो 9 इंच पे एक मार्क. तो यहाँ पे फ्रेंड्स स्कर्ट का वेस्ट राउंड है 30 इंच, उसके अकॉर्डिंग 7.5 रखना था, बट मैं यहाँ पे 8.5 रख रही हूँ. 1 इंच मैं डार्ट के लिए ऐड कर रही हूँ और हिप मैं यहाँ पे रख रही हूँ 11 इंच. अभी वेस्ट टू हिप इस तरीके से मार्क को कंप्लीट करना है. यहाँ पे कोई भी मार्जिन नहीं ऐड करना है. नीचे के बॉटम के लिए मैंने गाइस 10 इंच ली है और हिप टू बॉटम इस तरीके से मार्क कंप्लीट कर लेना है. अगर आप पेंसिल बॉटम पहनना पसंद करते हो तो नीचे का जो बॉटम मैंने 10 इंच लिया है आप उसे 8 इंच ले सकते हो. गाइस ड्राफ्टिंग के टाइम पे मैंने स्कर्ट की साइड पे कोई भी मार्जिन ऐड नहीं किया है. अभी वेस्ट लाइन पे मैं वेस्ट डार्ट के लिए 5 इंच पे इस तरीके से एक मार्क कर रही हूँ और इस डार्ट का लेंथ मैंने रख लिया है 6 इंच. अभी इस डार्ट के दोनों साइड पे 1-1 इंच इस तरीके से मार्क करना है और वी शेप में इसकी ड्रॉ कर लेनी है. तो इस डार्ट को अब ओपन कर लेते हैं. तो यहाँ पे मैं सेंटर से इसकी कटिंग कर ले रही हूँ. तो गाइस डार्ट की कटिंग करने के बाद अभी इसे मेन फैब्रिक पर कट करेंगे. तो यहाँ पर मैं लाइनिंग पे इसकी कटिंग करने वाली हूँ और जॉर्जेट फैब्रिक के ऊपर भी. तो लाइनिंग को डबल फोल्ड रखना है, जैसे हमने पेपर पे ड्राफ्ट के लिए 4th फोल्ड में फैब्रिक को रखा है, तो सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पे मैं फैब्रिक को 4th फोल्ड में रख रही हूँ और फ्रंट और बैक साथ में कट कर लेंगे. तो इस तरीके से फैब्रिक को अच्छे से 4th फोल्ड में रख लेना है. तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हमने जो ड्राफ्ट बनाई थी उस ड्राफ्ट को फैब्रिक के ऊपर रख के इसे ट्रेस कर लेना है और साइड से 2-2 इंच मार्जिन भी ऐड कर लेना है. तो इस तरीके से मैं 2-2 इंच ऊपर से नीचे तक इस तरीके से मार्जिन ऐड कर रही हूँ और उस मार्जिन को मेजर टेप के हेल्प से इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है. नीचे के साइड पे 1 इंच मार्जिन रखना है और वेस्ट लाइन पर कोई भी मार्जिन नहीं रखना है ऊपर की तरफ, और इसकी कटिंग भी कर लेनी है. तो सेम इसी साइज का हमें कट करना है जॉर्जेट फैब्रिक के ऊपर भी. तो यहाँ पे मैंने जॉर्जेट फैब्रिक भी कट कर लिया है. तो गाइस ये तो फ्रंट और बैक हो गया. अभी चलते हैं मेन जो ऊपर का ड्रेपिंग पार्ट है उसे क्रिएट करने के लिए. तो पेपर वाला जो ड्राफ्ट था हमारे पास उसमें से एक ड्राफ्ट को मैंने इस तरीके से निकाल लिया है और इसके डार्ट को सबसे पहले क्लोज कर लेते हैं. तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड के डार्ट्स को ग्लू लगा के क्लोज कर लिया है. डार्ट क्लोज करने के बाद गाइस इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है और इसको सेंटर से कट कर लेना है. तो फ्रेंड्स अभी इस पार्ट में हम ड्रेपिंग सीखेंगे. तो यहाँ पे मैंने इसके 1 साइड वाले पार्ट को रख लिया है और इसके सेंटर फ्रंट पे मैंने सेंटर फ्रंट के लिए मार्क कर दिया है इस तरीके से ऊपर की तरफ 1 इंच पे, और साइड वाला जो मार्क है उसे ऊपर से इस तरीके से रखना है और 3 इंच के डिस्टेंस पे यहाँ पे मैं 5 मार्क कर ली हूँ. इन सभी मार्क के बीच में 3-3 इंच का डिस्टेंस है और ऊपर से यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे एक मार्क किया है. अभी इन सारे मार्क्स को वेस्ट लाइन से इस तरीके से मेजर टेप को रखते हुए
ड्रॉ कर लेना है। इस लाइन को डायगोनल लाइन में मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। तो सेम इसी प्रोसेस से सारे लाइंस को ड्रॉ कर लेना है। तो गाइस सारे लाइन को ड्रॉ करने के बाद इसकी कटिंग भी कर लेनी है। तो सेंटर फ्रंट से इसकी कटिंग करनी है साइड के तरफ। कटिंग करने के बाद गाइस इसे अब हम कट करेंगे फैब्रिक के ऊपर। तो फैब्रिक को यहाँ पे मैंने सिंगल में रखा है और इस स्कर्ट की जो ड्राफ्टिंग है उसे इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर रख लेना है। और यहाँ पे जो मैंने कट लगाए हैं उन सभी कट्स को इस तरीके से बराबर फैब्रिक के ऊपर रखना है और इसके बीच में डिस्टेंस 3 to 4 inch का रख लेना है। और अब इसको इस तरीके से ट्रेस कर लेना है ऊपर के साइड पे। गाइस यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ 9 inch पे। नाइन इंच के बाद मैंने यहाँ पे लिया है 10 inch एंड थर्ड वाला जो मार्क है वो हमारा 11 inch का। अभी इस मार्क को स्कर्ट का जो बॉटम है वहाँ से इस तरीके से रख के इसकी मार्क को ड्रॉ कर लेना है। ऊपर की साइड से ये मैंने राउंड रखा है और नीचे से डायगोनल शेप में है। तो यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ भी 1/2 inch मार्जिन रख के और इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो राउंड शेप को कट करने के बाद अभी जो मैंने फैब्रिक पे इस तरीके से पेपर को रखा है इसके ऊपर वाले पार्ट को भी कट कर लिया है। और ये साइड वाला जो पार्ट है गाइस तो यहाँ पे 2 inch मार्जिन रखना है स्टिचिंग के लिए। सिर्फ इस साइड पे मैंने मार्जिन रखा है, बाकी के उधर साइड पे मैंने कोई भी मार्जिन ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी पेपर रखे हैं उसके ऊपर मैंने सेलो टेप से इसे स्टिक कर लिया है ताकि ये इधर उधर ना हो। और इस तरीके से नाइफ प्लीट बना के इसको अच्छे से पेपर को रिमूव कर लेना है। पेपर को रिमूव करने के बाद इस पर मैं पिनअप कर लेती हूँ और इसके ऊपर अब हम स्टिच लगाएंगे। दूसरे साइड का जो मैंने राउंड शेप में फैब्रिक को कट किया है वो इस तरीके से नीचे रफल्स बन जाएंगी। तो गाइस ये जो रफल है इसके एजेज को फिनिश करने के लिए या तो आप इस पर बीडिंग करवा सकते हो या फिर इसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर सकते हो। मैं यहाँ पे डबल फोल्ड करके इसके स्टिच कर रही हूँ। तो इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए मैं इसके स्टिच कंप्लीट कर रही हूँ। नीचे के साइड से भी इस तरीके से फैब्रिक को डबल फोल्ड पे रखना है और इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी यहाँ पे जो हमने प्लीट्स बनाए हैं तो इस प्लीट्स के ऊपर स्टिच लगा देना है। और स्टिचिंग के बाद अब ये ऑलमोस्ट रेडी है। तो गाइस अब जो हमने पहले फ्रंट और बैक पार्ट के लिए फैब्रिक कट किए हैं उसके स्टिचिंग करेंगे। तो एक लाइनिंग रखना है, लाइनिंग के ऊपर एक आउटर फैब्रिक रखना है। तो इस तरीके से मैं लाइनिंग रख रही हूँ और लाइनिंग के ऊपर मैं रख ले रही हूँ आउटर फैब्रिक और इसके चारों साइड पे एक एक स्टिच लगा देनी है। स्टिचिंग के बाद इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और पेपर पे जो हमने डार्ट के लिए मार्क किया था उस डार्ट को यहाँ पे वापस ड्रॉ कर लेना है और इस डार्ट की स्टिचिंग कर लेनी है। दोनों साइड पे डार्ट को कंप्लीट करना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे नॉच भी लगाई है। अब इस नॉच के साइड पे ही मैं फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ और डार्ट के लिए वी शेप में स्टिच करेंगे। दोनों साइड पे सेम लेंथ में, डार्ट की लेंथ 6 inch रहेगा और वाइड 1 inch डबल फोल्ड पे। तो सेम इसी प्रोसेस से दोनों पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है। अभी फ्रंट वाला जो पार्ट है गाइस उसके ऊपर जो हमने ड्रेपिंग के लिए पेपर पे ड्राफ्ट किया था और फैब्रिक में फ्रिल बनाई है उस फैब्रिक को रख के इसके साइड से इसके ऊपर मैंने स्टिच लगा दी है। इसके ऊपर अभी बैक पार्ट को रखना है और इसकी साइड स्टिच कंप्लीट करनी है। मार्जिन 2 inch रखना है। कटिंग के टाइम पे हमने 2 inch मार्जिन ऐड किया था तो स्टिचिंग के लिए भी मैंने 2 inch मार्जिन को ही रखा है। अभी वेस्ट राउंड यहाँ पे मैंने रख लिया है 15 inch और दूसरे साइड पे भी 2 inch मार्जिन रखते हुए मैं इसके वन साइड पे जिप ऐड करने वाली हूँ। तो जिप मैंने यहाँ पे लिया है इनविजिबल जिप
और ये 6 इंच तक मैं इसे ओपन रखने वाली हूँ। तो जिप का जो रनर है वो फैब्रिक के सीधा साइड पे अंदर की तरफ रखना है और 2 इंच मार्जिन रखते हुए इसकी साइड की स्टिच कंप्लीट करनी है। तो गाइस यहाँ पे हमने अभी जिप तो ऐड कर लिया है, अभी इसकी साइड की स्टिच कंप्लीट करेंगे। तो जहाँ से अभी हमने जिप की स्टिच एंड किया था वहीं से साइड स्टिच की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जिप के एंड से ही साइड की स्टिच स्टार्ट कर रही हूँ इस तरीके से। और नीचे से गाइस 10 इंच फैब्रिक को मैं ओपन रखने वाली हूँ स्लिट के लिए। तो 10 इंच तक मैंने स्टिचिंग कंप्लीट नहीं किया है। अभी फ्रेंड्स इसके साइड वाले पार्ट को स्टिच करने के लिए मैं फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इसे स्टिच कर रही हूँ। यहाँ पे आप इंटरलॉक भी करवा सकते हो, मैं इसे स्टिचिंग से ही फिनिश कर रही हूँ। तो दोनों साइड की स्टिचिंग के बाद अभी इसके साइड वाले जो स्लिट है उसे स्टिच करेंगे। उससे पहले स्कर्ट का जो बॉटम है उसकी लाइनिंग को स्टिच कर लेते हैं। तो लाइनिंग को यहाँ पे मैं डबल फोल्ड करके और इसके स्टिचिंग कंप्लीट कर रही हूँ। दोनों साइड की लाइनिंग को सेम प्रोसेस से स्टिच करना है। स्टिचिंग के बाद मैं इसके दूसरे साइड वाला जो फैब्रिक है मार्जिन का उसे अंदर के साइड पे रखते हुए इसकी भी फिनिशिंग कर ले रही हूँ। यहाँ पे भी इंटरलॉक करवाई जा सकती है बट मैं इसको स्टिचिंग से ही फिनिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो स्लिट ओपन रखा था उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस फैब्रिक को मैं यहाँ पे डबल फोल्ड कर रही हूँ और स्लिट की स्टिच कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद स्कर्ट का जो आउटर बॉटम है उसे भी डबल फोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट स्कर्ट की सारी स्टिचेस कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें सिर्फ ऐड करना है वेस्ट बेल्ट। सो वेस्ट बेल्ट के लिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्राइप कट किया है जिसका लाइनिंग और आउटर दोनों को मैंने साथ में रख के स्टिच कर दी है। और इस स्ट्राइप का लेंथ मैंने रखा है 5 इंच और इसका वाइड है स्कर्ट के वेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ही कट किया हुआ है। तो अभी स्कर्ट का जो जीपर वाले साइड पे मार्जिन है उसे अंदर की तरफ रखना है और स्ट्राइप मैंने यहाँ पे 1 इंच बाहर की तरफ एक्स्ट्रा रख के स्कर्ट के वेस्ट लाइन के साथ स्ट्राइप को स्टिच करना स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस सेम जितना मार्जिन मैंने अभी स्टार्टिंग में 1 इंच बाहर की तरफ रखा था तो सेम इसी तरीके से दूसरे साइड पे भी स्ट्राइप की मार्जिन को बाहर की तरफ रखना है बट दूसरे साइड पे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखने वाली हूँ। तो गाइस यहाँ पे दूसरे साइड पे स्कर्ट की जो मार्जिन है उसे भी अंदर की तरफ रखना है और इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करनी है। अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारे पास तो मैं यहाँ पे 2 इंच फैब्रिक रख रही हूँ, बाकी फैब्रिक को कट कर ले रही हूँ। अभी इस स्ट्राइप को इस तरीके से बाहर की तरफ रखना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो मैंने रखा था उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। स्ट्राइप को एक बार फोल्ड करके मार्जिन को कवर करते हुए इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरे साइड पे भी मैंने फैब्रिक को 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है और उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इसकी स्टिच कंप्लीट कर ले रही हूँ। सो गाइस सारे स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद ये रहा स्कर्ट का फाइनल लुक। और इसके साइड पे जिप ऐड किया और ये जो पार्ट मैंने ऊपर की तरफ रखा है यहाँ पे हुक लगाना है, इसकी आयनिंग करनी है। आयनिंग के बाद ये कम्प्लीटली रेडी है। सो गाइस उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।